किसी भी केक को कम टाइम और कम कॉस्टिंग में डेकोरेट करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है कि उस पर गनाश पोर कर दें। यहाँ गनाश का मतलब हम बात चॉकलेट गनाश की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केक ग्लेज की, जिसे हम बनाएंगे बिना चॉकलेट के। और इस ग्लेज की कॉस्टिंग चॉकलेट गनाश से तो बहुत कम होती है। हमने पहले भी गनाश की रेसिपी का वीडियो अपलोड किया था, कॉफ़ी गनाश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक वीडियो हमने चॉकलेट गनाश का भी शेयर किया है, जिसमें हमने बिना क्रीम के चॉकलेट गनाश बनाई है, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज हम नए तरीका गनाश बनाएंगे, कोको गनाश। तो चलिए फटाफट से कोको गनाश बनाना शुरू करते हैं। तो कोको गनाश बनाने के लिए एक सॉस पैन में लेंगे आधा कप चीनी, इसमें डालेंगे आधा कप पानी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून इसमें डालें कोको पाउडर। इन्हें विस्क से चलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर के लम्स पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएं तब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको कोको का फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो तो कोको पाउडर आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी को कम करके 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें लम्स पूरी तरह डिजॉल्व हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपके पास में बटर हो तो इसमें 1 टेबलस्पून बटर भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसको फैट फ्री बना रहे हैं तो बटर नहीं डालेंगे। अब देखिए मिक्सचर थिक होने लगा है। जब ये गाढ़ा होने लगेगा और इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, ये हो गया गनाश तैयार। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब ये गनाश रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। पोरिंग कंसिस्टेंसी का गनाश तैयार हो गया है। इसे आप केक पे पोर करके केक को डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर कपकेक्स को इसमें डिप करके कपकेक्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत कम सामान और बहुत कम टाइम में एक बहुत ही बढ़िया फैट फ्री पोरिंग गनाश तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।